बिसम अल्लाह रहीम वी आर डूइंग पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट इसमें हम बात करेंगे आज इन्फॉर्मेशन कोफिशेंट हमारा एम क्या चल रहा है कि वी हैव टू गेज कि हाउ थिंग्स आर बीइंग डन हाउ द परफॉर्मेंस इज़ बीइंग बींग रिटर्न कैसे आ रहे हैं रिस्क कैसे आ रहे हैं तो उसमें एक टूल ये भी है कि जो हमारा मैनेजर है या जो हमारा एनालिस्ट है हाउ वेल ही इज़ परफॉर्मिंग द इंफॉर्मेशन कॉफिशियट इज अ अयर यूज टू अवैलुएट द स्किल एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट और एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर के उसके स्किल लेवल को गेज करने के लिए हम टूल हैं कि हमने आप बेश पढ़े लिख के आए हैं तो आपने वी से बड़ा अच्छा डिग्री की हुई है तो हम आपको बाद में पूछेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा वी विल स्टिल कॉन्टिन्यू टू गेज योर परफॉर्मेंस है हाउ यू आर डूइंग द टास्क स्पेशली अगर आप इसमें फील्ड में आते हैं स्टॉक मार्केट की या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में द इन्फॉर्मेशन कॉफिशेंट शोज हाउ क्लोजली एन एनालिस्ट फाइनेंशियल फोरकास्ट मैच एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट बेसिकली होता क्या है आप एनालिस्ट हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा जी मैंने ये कैलकुलेशन की मैंने ये उस पर एनालिसिस किया तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक का इतना रिटर्न आना चाहिए ये मेरी फोरकास्ट है अब जब एक्चुअल रिटर्न्स आते हैं फिर उसको उसके साथ कंपेयर किया जाता है कि जी आपने जो एक्सपेक्ट किया था या जो आपने कैलकुलेट किया था हाउ क्लोज यू आर उसको गेज करने का जो टूल है दैट इज इंफॉर्मेशन कोफिशेंट इंफॉर्मेशन कोफिशेंट कैन रेंज फ्रॉम वन टू माइनस वन अब ये वो डिग्री एक्सटेंड करें माइनस वन इंडिकेट एनालिस्ट फोरकास्ट बियर यानी कि इतनी अच्छी वो उसकी फोरकास्टिंग टूल नहीं है वन इंडिकेट दैट एनालिस्ट फोरकास्ट परफेक्टली मैच एक्चुअल रिजल्ट इंफॉर्मेशन कॉफिशियंट इज टू इन टू प्रोपोर्शन करेक्ट माइनस वन के कितने प्रपोर्शन आपका जो है वो रिजल्ट आपके करेक्ट हैं यानी कि आपने दस किए तो उसमें से कितने ठीक थे प्रडिक्शन uh, जो आपने है एक किसी भी एक एनालिस्ट ने उसके इन्फॉर्मेशन कॉफिशियंट कैलकुलेट में ये उसके यूज होंगे द इन्फॉर्मेशन कॉफिशियंट डिस्क्राइब को हमारे क्या थी और एक्चुअल क्या था और उनका आपस है ग्रेट स्किल्स इन फोरकास्टिंग यानी कि उसका जो वैल्यूएशन है या जो वो पाथ अडॉप्ट कर रहा है वो बहुत अच्छा है और उसकी फोरकास्टिंग बड़ी राइटफुल है और सेम डायरेक्शन में है जो कि एक्चुअल रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंगली ही आ रहे हैं बट इन रियलिटी द ऑर्ड ऑफ नॉट गेटिंग फोरकास्ट राइट्स आर 50 परसेंट अगर हम सिंपल प्रोबेबिलिटी की बात भी करें आपने कहा कि जी ये शेयर बढ़ेगा तो 50 परसेंट है बढ़ेगा 50 परसेंट है गिरेगा तो 50 परसेंट प्रॉबिलिटी तो वैसे ही है फिर सो इवन विद एनालिस्ट नो स्किल्स कुपेक्ट टू हैव एन इन्फॉर्मेशन रेशनशियंट ऑफ जीरो मतलब माइनस वन तो फिर भी नहीं हुआ ना क्योंकि चांसेस उसके फिर भी अप डाउन के हैं तो ये एक इसकी लिमिटेशन है कि उनके प्रॉबिलिटी फैक्टर रहता है बट स्टिल ये जब वैन वी गेज इट विद मोर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन देन इट्स मोर रिफाइंड एंड इंफॉर्मेशन कॉफिशियंट अ बेटर स्टोरी इन्फॉर्मेशन कॉफिशियंट इज नॉट टू बी कन्फ्यूज इथ इन्फॉर्मेशन रेशियो इन्फॉर्मेशन रेशियो तो हमने पहले बात की थी कि हमने कितना रिटर्न कमायाज इंफॉर्मेशन कॉफिशियंट इज मोर टू वर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू मैनेजर स्किल उसका अपना जो स्किल सेट है या जो उसकी फॉरकास्टिंग टूल हैं एबिलिटी वो क्या है इन्फॉर्मेशन कॉफिशियंट एंड इन्फॉर्मेशन आर बोथ कॉम्पोनेट ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट यूज दोनों का एक्टिव मैनेजमेंट में ही आ रहा है कि एक्टिव रिटर्न हम जो कमा रहे हैं उसके उनकी एज में ही आ रहा है बट दे

एंड got टू rights, उसने दो की थी और दोनों ही ठीक आ गई द इंफॉर्मेशन कोफिशेंट वुड be, आप भी बताएं सिंपल इट शुड हमें अगर बगैर कैलकुलेशन के भी देखें तो क्योंकि उसने दोनों ही की थी दोनों ही ठीक आ गए तो वो फिर वन के लेवल पे आना चाहिए इधर तो टू इंटू वन माइनस वन उसका जो वन के फैक्टर पे आ गई यानी कि इट्स अ हाइस्ट लेवल ऑफ स्केल क्योंकि उसके फोरकास्ट दोनों ही ठीक रहे इफ़ एनालिस प्रोडिक्शंस वाफ वे राइट टू इन टू पॉइंट फाइव एंड देन माइनस उसका फिर यानी कि जीरो लेवल है कि कोफिशेंट uh, उसका जीरो है यानी कि इट्स नॉट अ हायर लेवल ऑफ स्केल यानी उसकी फोरकास्टिंग बहुत अच्छी नहीं देखी गई इफ एवर मैन ऑफ द प्रोडिक्शंस वर राइट तो दैट कैन टेक इम टू द नेगेटिव जोन कि उसने दो फोरकास्ट किए थे और दोनों ही गलत हो गए तो वो फिर हम कहेंगे कि वेरी लो लेवल्स ऑफ फोरकास्टिंग स्किल यानी कि उसका इन्फॉर्मेशन कॉफिशेंट बहुत नीचे है तो दिस आर इंडिकेशन के हाउ हम एक कंपेरिजन में ये हेल्प करते हैं तो दिस इज हाउ इट गोज़ थैंक यू